डियर टीम, कल हम लोगों ने कंपनी में बढ़ते हुए फ्रॉड के ऊपर चिंता जाहिर करी थी और स्टाफ को आगाह किया था कि इन मामलों में लिप्त ना हो। आज हम कुछ तरीके डिस्कस करेंगे जिससे कि हम ब्रांच में फ्रॉड को रोक सकें। सबसे पहला उसमें है स्टाफ का दायित्व है उस दिन की डिमांड जितने भी क्लाइंट्स पे है उन सब पे 100% विजिट होनी जरूरी है। जहां पे भी आपको पैसे मिलते हैं उसी वक्त आपको डिजिटल रिसीट यानी डीआर इशू करनी है। डीआर इशू करते हुए डीआर टाइप का ध्यान रखें, अगर फोरक्लोज है तो फोरक्लोज की डीआर दें, इंश्योरेंस का प्रीमियम इकट्ठा किया है तो इंश्योरेंस का डीआर, इंस्टॉलमेंट या फिर पेनल्टी ली गई है तो उसी के अनुसार डीआर इशू करें। साथ में इस चीज का ध्यान दें ऑडिट और ब्रांच मैनेजर, जितने भी अनपेड क्लाइंट्स हैं उस दिन के उनपे रैंडम बेसिस पे कॉल की जाए और कंफर्म किया जाए कि स्टाफ ने उनपे विजिट करी है या नहीं और क्लाइंट ने पैसे क्यों नहीं दिए। इसके अलावा ब्रांच मैनेजर का दायित्व यह है कैशबुक को वो अच्छे से मेंटेन करे विदाउट कटिंग या ओवरराइटिंग, जो पैसे दे रहा है और जो पैसे रिसीव कर रहा है दोनों के ही साइन होने जरूरी है। ब्रांच में पेटी कैश का जो भी खर्चा है उसका पूरा हिसाब बीएलबी में लिखा जाना चाहिए। और साथ में इस चीज को ध्यान रखें नए सोर्सिंग में क्रेडिट टीम पीवी के दौरान क्लाइंट से क्लियरली पूछे क्या लोन के लिए उन्होंने कोई कमीशन या अन्य किसी प्रकार का पैसा या और कोई चीज आपसे मांगी गई है या उन्होंने दी है या नहीं दी है। अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं तो तुरंत इसको ऑडिट और बिजनेस टीम के मैनेजर्स के संज्ञान में लाए। आखिरी में कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा, कोई भी ऑडिट टीम या मैनेजरियल स्टाफ जब ब्रांच में विजिट करता है वो जरूर इंश्योर करें कैशबुक के साथ फिजिकल कैश का मिलान करें। ऑडिट टीम और डीएम की जिम्मेदारी है जितने फोरक्लोज केस में है वहां क्लाइंट से जरूर बात करें और कंफर्म करें कितने पैसे क्लाइंट ने एक्चुअल दिए हैं और फोरक्लोज कितने में हुआ है। और साथ में इसको भी ध्यान दें कि जो भी डीआर डिलीटेड है वो बिना क्लाइंट से बात किए हुए डिलीट नहीं होनी चाहिए। मॉनिटरिंग स्टाफ पूरी तरीके से फील्ड में उतरे, हर एक क्लाइंट और सेंटर पे विजिट करें जिससे कोई भी अगर फ्रॉड होने की संभावना हो वो जल्द से जल्द पकड़ में आए। धन्यवाद।